नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से विमान सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब जल्द ही दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों को झटका लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले महीने से दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड हवाई यात्रियों पर एक नया चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। संकट के प्रभाव से उबरने के लिए एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलरिटी अथॉरिटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। यानी अगर कोई यात्री दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान पकड़ता है तो उसे अलग से फीस चुकानी होगी। 1 फरवरी से यह अतिरिक्त चार्ज लगेगा और 31 मार्च तक दिल्ली से बाहर उड़ान भरने वालों को इस व्यवस्था के तहत 65.98 रुपए के साथ तमाम टैक्स चुकाने होंगे। इसके बाद अप्रैल 2021 से इस चार्ज में कटौती की जाएगी। वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए यह चार्ज 53 रुपए होगा। वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए यह चार्ज 52.56 रुपए तय किया गया है। वहीं वित्त वर्ष 2023 से 2024 के लिए यात्रियों से 51.97 रुपए वसूला जाएगा। सूत्रों के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिल्ली एयरपोर्ट की उस मांग को नहीं माना है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली से बाहर जाने वाली घरेलू उड़ान के लिए 200 रुपए और विदेशी उड़ान पर 300 रुपए का चार्ज लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये फैसला सही है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।